हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे आईटी चैप्टर में, हाईटेक ने कल ने पढ़ा था इनइक्वालिटी के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है हमारे पास 3x² + 8x ≤ 2 sin inverse sin 4 - cos inverse cos 4। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और x की वैल्यू में फाइंड करनी है, मतलब सॉल्यूशन का फाइंड करना है। ओके, तो करिए। आपको बताया था sin inverse sin 4, cos inverse cos 4 की वैल्यूज, ओके, उसका आप यूज करना है। तो ट्राई कैसे, एक बार साइन इनवर्स कैसा बनता है हमारे पास, ऐसा बनता है हमारे पास, और ये इक्वेशन होती है एक्स, ये होती है पाई माइनस एक्स, ओके, और ये होती है माइनस पाई प्लस एक्स, राइट। ये क्या है हमारे पास, ये है पाई, इसका नोट कीजिएगा 90 पाई 2 पाई, ओके, ये है हमारे पास 3π/2। अच्छा, हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, 4 कहाँ मिलेगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 3.14 और ये क्या है 4.5, मतलब यहाँ पे क्या 4 मिलेगा, ये मिलेगा, ये लाइन में पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 टाइम्स पाई माइनस 4, ओके, क्या क्यों, क्योंकि ये जो है 3.14 है और ये जो है वो 4.71 है, तो जो 4 है वो काम देगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब कहाँ होगा, यहाँ पे ही होगा बीच में, और बीच में यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो लाइन कौन सी आ रही है हमारे पास, ये लाइन, और ये लाइन इक्वेशन क्या है, पाई माइनस एक्स है, ओके, पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स कर दिया हमने यहाँ पर, माइनस ये इक्वेशन लग गई यहाँ पे 2π - x, ओके। नेक्स्ट अब कॉस का देखते हैं, कॉस का ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, न्यूमरेटर में बनता है, मतलब न्यूमरेटर बोलो पॉजिटिव एक्सिस पे, ये हमारे पास ये है पाई, ये है 2π, ओके, सो ये है x, ये है 2π - x और ये है 2π + x, तो 2π का मतलब क्या होगा, 6.28, पाई मतलब 3.14, ओके, हमें वैल्यू कहाँ मिलेगी, इनके बीच में, यहाँ पे मिलेगी, मतलब क्या होगा 2π - 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2π - 4, ओके। अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इनइक्वालिटी ऐसे जाएगी 3x² - 8x, 2π खत्म हो गया, क्या हुआ -8 और +4 -4 हो गया, -4, 3x² + 8x, 4 को सेट कर लिया, 3x² + 8x + 4 <0, 4 + 6 = 12, तो 3x² + 6x + 2x + 4 <0, x + 2 एंड 3x + 2, ओके, 3x + 2 <0, तो x क्या आ गया हमारे पास -2/3 - 2, सॉरी उल्टा लिख दिया, -2/3, ओके, ये आपका आंसर हो गया। बट हमें ये भी देखना है कि साइन इनवर्स में हमारे पास ये आ रहा है -2 या नहीं आ रहा है, ओके, तो हमें x निकालना था, ये तो खत्म हो गया, सही आंसर x belongs to -2 - -2/3, ये आपका आंसर हो गया, ओके, नोट कर लीजिए।
कर लिया होगा। नेक्स्ट अभी यहाँ तक चल रहा था प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट चल रही थी, फर्स्ट के इतने सारे पार्ट थे, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, सेकेंड प्रॉपर्टी के भी पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वाई। आपको फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन अपॉन में एक्स, ओके। और इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन में एक्स, ओके। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा वाला, ओके। तो थीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू होगा, होगा अच्छा। तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास, वन एक्स आ गया, हुआ। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई एक्स आ गया, कोसेक थीटा इक्वल टू वन बाई एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कोसेक थीटा का दोनों साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन अपॉन में एक्स। और कल आपको मैंने कहा था कि सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास शायद बना लिया होगा, इसने नहीं बनाया, तो यहां पे समझ लें कि आपको पता है कि कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, डोमेन होता है वो क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, माइनस वन से वन, सॉरी माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, ओके, यूनियन वन से नॉट डिफाइंड, ओके। यहां पर क्या आएगा, तो रेंज आएगा इस फंक्शन का, जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एंड एक्सक्लूडिंग जीरो, माइनस क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो कोसेक इनवर्स का ग्राफ बना लो, सेम कॉस साइन का ही बनेगा ग्राफ, ओके, सेम साइन का ग्राफ बनेगा, बट क्या होगा, यहां पे जो जीरो दिख रहा है ये वैल्यू क्या होगी, एक्सक्लूड होगी, क्यों, क्योंकि कोसेक में जीरो वाली जो वैल्यू होती है y इक्वल टू जीरो होते ही नहीं है, तो जीरो जहां जहां मिलेगा हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ओके। ये होता है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा का ग्राफ। अच्छा, तो आपको दिख रहा है कि ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ही चल रहा है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू चल रहा है, और हमारे पास यही तो होता है, इसका जो दो कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ओके। माइनस में जीरो होता है, तो जीरो मैंने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। तो यहां से थीटा आएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स, और थीटा क्या था हमारे पास, थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, ये तो प्रूव करना था हमें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स, ओके, नोट कर लेते हैं। बस ये ध्यान देना कि यहाँ पर जो कोसेक इनवर्स है और साइन इनवर्स है दोनों का डोमेन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों ही ग्राफ आ गए, हमारे पास साइन इनवर्स भी है और कोसेक इनवर्स भी है। साइन इनवर्स में क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू मिलता है रेंज, इसमें क्या मिलता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस से जीरो, ओके, बना लीजिए। ये ग्राफ जरूर बना लीजिएगा, लाइन की इक्वेशन नहीं होगी तो हमने साइन बनाई थी, ये एक्स, ये होता है पाई टू पाई, ओके, तो ये रहेगा पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस टू पाई, ये हो जाएगा पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स,
सॉरी माइनस पाई माइनस एक्स, माइनस पाई माइनस एक्स, ओके। इस तरीके से आप कॉस इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स लगा लोगे, कॉस इनवर्स या ऐसे करते हैं सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, क्योंकि अभी क्या कहता है, अभी मैं साइन से कॉस को चेंज किया था, आप सेक से कॉस को कर लो, सेम वैसे ही करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाई एक्स, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले दोनों का डोमेन देखो, इसका डोमेन क्या होता है, सॉरी रेंज क्या होता है, 0 टू पाई माइनस r/2, इसका क्या होता है 0 टू पाई, ओके यहां पर वही होता है। अच्छा तो क्या करें, इसको लेते हैं लो sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लिया, तो sec थीटा क्या आएगा हमारे पास, sec sec थीटा इक्वल टू x हो गया, यहाँ पे जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई और माइनस में पाई बाई टू, ये मिलेगा। अच्छा यहाँ पे चेंज करते क्या जाएगा, cos थीटा इक्वल टू वन बाई एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स वन बाई एक्स, cos inverse of cos theta equal to 1 by x। अच्छा यहाँ पे cos inverse of cos theta जो है वो क्या होगा, इसके लिए डोमेन क्या होता है, r, डोमेन क्या है इसका, r है, तो इसके अलावा बनाते हैं लोग, ये होगा ये 0 2 पाई माइनस 2 पाई, ये है x, ये है माइनस x, 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस x, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस x, ये हो गया माइनस 2 पाई माइनस x, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू कहाँ पे होगा, ये है टू पाई, बीच में पाई पाई होगा हमारे पास, तो यहाँ पे एक लाइन होगी पाई बाई टू, ये जो पाई बाई टू है हमारे पास, ये पाई बाई टू तो है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ये लाइन है ना हमारे पास, ये तो पाई बाई टू है, पाई है, सॉरी तो पाई है हमारे पास, पाई बाई टू यहाँ के बीच में होगा हमारे पास, यहाँ पर, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और लाइन ड्रॉ की जहां जहां पे कर्व को कट किया यहाँ पे क्या होगा, हॉलो होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा ग्राफ, ओके ये हो जाएगा हमारे पास इसका ग्राफ। अब ये भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सेम मिल रहा है हमारे पास, देखो कोई ग्राफ में नो चेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है केवल, तो यहाँ पे हमसे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, और थीटा क्या था हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, ओके नोट कर लीजिए। बस आप
आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों का डोमेन जो है वो 0 टू पाई है, इसलिए ऐसा हुआ है। ओके
और ये क्या है, ये तो 2 पाई माइनस x जाएगी, बट हमें कहां से चाहिए, 0 टू पाई चाहिए, मिल रहा है। देखो कैसे, हम आपको समझाते हैं कि ये ब्रेक कैसे दिया गया। देखो यहां से हम लोगों ने यहां से चले, यहां से ये पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन 0 से, ओके 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्टली x मिल रहा है, डायरेक्टली क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये जो पोर्शन है ये क्या मिलेगा फॉर द फर्स्ट, मतलब केस नंबर फर्स्ट, क्या x बिलोंग्स टू 0 से नॉट डिफाइंड, x बिलोंग्स टू 0 से नॉट डिफाइंड। तो अभी आप बताया 0 से नॉट डिफाइंड है हमारे पास, तो क्या मिल रहा है, यही तो मिल रहा है 0 x, ओके 0 से नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स लोगे तो नॉट डिफाइंड मतलब क्या हो गया पाई बाय 2, मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये पोर्शन 0 टू पाई बाय 2, तो पोर्शन क्या हुआ हमारे पास, ये जो पोर्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा x, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, और थीटा क्या था हमारे पास cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x, ओके इतना नोट करिए। ये केस हमारा फर्स्ट हो गया, अच्छा सेकंड केस भी यहां पे लिख देता हूं, सेकंड केस लेंगे हमको, केस नंबर सेकंड क्या था, x बिलोंग्स टू माइनस नॉट डिफाइंड टू 0, माइनस नॉट डिफाइंड टू 0 का मिलेगा हमारे पास जब यहां से 0 पाई बाय 2 से लेकर, क्योंकि पाई बाय 2 पे माइनस नॉट डिफाइंड और पाई बाय 2 लेकर पाई होगा, ओके तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है पाई माइनस एक्स, मतलब ये जो पोर्शन मिलेगा वो पोर्शन क्या मिलेगा पाई माइनस थीटा, क्या मिलेगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 1 बाय एक्स, हमें क्या चाहिए हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस टैन इनवर्स 1 बाय एक्स, और थीटा क्या था कॉट इनवर्स थीटा कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 1 by x, ये आपका आंसर हो गया। ओके cosec इनवर्स और sin इनवर्स सेम होते हैं, बट यहां पर केवल एक चेंज होता है cot इनवर्स होता है, वो अगर 0 से नॉट डिफाइंड मतलब पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा tan इनवर्स x, अगर लेस देन 0 क्या आएगा पाई माइनस tan इनवर्स x आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही फॉर्मूला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रखते हैं फॉर्मूला, बहुत जगह पे आप देखोगे भी। ये लाइन की इक्वेशन गलत हो गई थी, यही आपको बता था कि अगर लाइन की इक्वेशन गलत होगी तो पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं,
प्रॉपर्टी ठीक है। प्रॉपर्टी थ्री है उसमें फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा कैसे होता है उसका मैं बताता हूँ। यह हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स राइट इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। और साइन में निगेटिव वैल्यू क्या होती है जब मैं यहाँ पे थीटा के प्लेस पे माइनस हो जाए। अगर क्योंकि ये कैसा है ऑड है ना हमारे पास। ये कैसा है हमारे पास ऑड है। अच्छा तो क्या करें यहाँ पे एक्स क्यूब थीटा के प्लेस पे क्या करेंगे तो माइनस कर दो। इस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो क्या करोगे माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। ओके तो यहां से क्या आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा इक्वल टू एक्स होगा। और यहां पे इसको शिफ्ट कर दोगे तो क्या आएगा माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके फिर यहां पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस को शिफ्ट कर दो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और थीटा क्या था ये मतलब हो गया प्रूवमेंट क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये तो प्रूव करना था फर्स्ट। ओके नोट कर लीजिए। सेकेंड वन क्या होता है ऐसा ऐसा क्यों किया क्योंकि आपको पता है कि साइन साइन वन की वैल्यू निगेटिव कब होती है जब सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन माइनस थीटा होता है इसलिए ऐसा नहीं होता। ओके अब इसको कॉस इनवर्स करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या क्या थीटा। कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास माइनस एक्स। ओके माइनस सेट कर दो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। और आपको पता है कि कॉस इनवर्स जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जीरो टू पाई होता है तो नेगेटिव कहां पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होगा पाई माइनस ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू एक्स राइट। फिर कॉस को सिफ्ट करो पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। हमें क्या चाहिए थीटा थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और थीटा क्या था cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर हो गया प्रूव हो गया। ये भी और ये भी tan इनवर्स क्या करोगे सेम tan इनवर्स क्या करोगे सेम रहेगा कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास tan नेगेटिव का फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर प्रॉपर्टी नंबर फोर आपको बता भी चुका हूं पहले और फिर से लिख लो प्रॉपर्टी नंबर फोर। पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सेकेंड वन कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। थर्ड वन टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ओके देखो इसका डोमेन क्या होता है माइनस वन से वन। इसका डोमेन माइनस वन से वन तो डोमेन सेम। इसका डोमेन क्या होता है आर माइनस माइनस वन से वन। इनका डोमेन सेम इसका डोमेन क्या होता है आर। ओके ये बात ध्यान रखना डोमेन के अकॉर्डिंग ऐड किया है ओके टू अवेट हुए। अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे ये देखो फर्स्ट क्या किया हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानो
एक को कंसिडर करिए, क्या आएगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कैसे आता है, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस को शिफ्ट कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, इसको शिफ्ट किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। ओके नोट कर लीजिए, इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड कर लोगे। ओके ये अभी आज को होमवर्क है, सेकेंड और थर्ड करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सॉल्व टैन इनवर्स हाफ प्लस कॉट इनवर्स टू, सॉरी टैन इनवर्स टू प्लस टैन इनवर्स रूट थ्री। ओके करिए, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि x की वैल्यू जीरो से पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिख सकते हो हम लोग, tan इनवर्स 1 प्लस कितना हो सकता है, cot इनवर्स x, x कितना था हमारे पास 2 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस ये क्या है हमारे पास रूट थ्री वैल्यू है किसकी, पाई बाय 6 की, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 सॉरी पाई बाय 3 की है, पाई बाय 3 हो गया। ओके tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दोनों ये x सेम होनी चाहिए, क्या हो जाएगा pi by 2 प्लस pi by 3, ऐड करोगे क्या हो जाएगा 5 pi by 6, ये आंसर हो गया। ओके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x square plus 2x plus 2 equal to pi by 2, find the value of x, find the value of x, इसे करें। देखो pi by 2 दिख जाएगा, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिखने चाहिए साथ साथ में। ओके तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिख रहा है, यहाँ पे पाई बाय 2 भी दिख रहा है, तो मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो वैल्यू है ये सेम होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, मतलब दोनों की जगह पे एक्स होना चाहिए, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, इन दोनों को इक्वल कर लो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स। ओके अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्या देगा एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस इमेजिनरी आ रहा नंबर, तो नो सॉल्यूशन, इमेजिनरी आ रहा क्या करेगा नो सॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया लेस देन जीरो आ रहा है ना हमारे पास, लेस देन जीरो हमारे पास साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में डोमेन में नहीं होता है, डोमेन में नहीं होता साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, क्यों, क्योंकि डोमेन क्या होता है माइनस वन से वन होता है हमारे पास, यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इफ साइन इनवर्स ए इफ साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्वल टू पाई बाई टू एंड सेक इनवर्स ए प्लस कोसेक इनवर्स बी इक्वल टू पाई बाई टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इसे करिए फिर से आपको क्या दिखा यहाँ पे पाई बाई टू दिखा पाई बाई टू दिख रहा तो यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स देखिए वो भी दिख रहा है तो मतलब क्या होगा कि ये ए और बी क्या होंगे इक्वल होंगे फर्स्ट कंडीशन ये होगी क्या कि ए और बी क्या होंगे इक्वल होंगे ओके और एक बात यहाँ पे साइन इनवर्स जो ए है वो क्या होगा साइन इनवर्स ए जो है वो क्या करेगा कहाँ से माइनस वन से वन ए जो है सॉरी इसके लिए माइनस वन से वन बिलोंग करेगा और जो बी है हमारे पास वो भी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा माइनस वन से वन ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे sec इनवर्स और cosec इनवर्स है इसलिए ओके अच्छा यहाँ से देखा हमने यहाँ से कंडीशन क्या दिखी क्या a इक्वल टू बी बट यहाँ से जो कंडीशन दिखेगी वो क्या दिखेगी कि जो यहाँ इसके अकॉर्डिंग a है वो क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए माइनस वन यूनियन वन से नॉट डिफाइंड और इसके अकॉर्डिंग जो बी होगा वो क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से नॉट डिफाइंड ओके ये मिलेगा अच्छा तो दोनों में ए की वैल्यू जो है ये है माइनस वन से वन ध्यान देना ये है माइनस वन से वन और ये जहां पे ओपन माइनस वन से वन यहाँ पे इंक्लूडिंग ही नहीं है यहाँ पे क्या होगा इंक्लूडिंग नहीं इन दोनों से जो कॉमन आएगी इन दोनों से कॉमन वैल्यू क्या आएगी आइदर ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ए की वैल्यू माइनस वन होगी और प्लस वन होगी क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस वन से वन ही है और यहाँ पे क्या है कि माइनस वन से वन नहीं है उसके अलावा सब कुछ है तो कॉमन क्या दिख रहा है कि माइनस वन और वन दिख रहा है कॉमन इसी तरीके से इन दोनों के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है इसमें भी क्या दिख रहा है बी इक्वल टू माइनस वन और या फिर बी इक्वल टू वन ये तो दिखने वाली वो दोनों क्या है इक्वल है कि अगर माइनस वन और वन होगी माइनस वन होगी क्या हो जाएगा ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास माइनस टू आ जाएगा अगर दोनों की वैल्यू वन होगी तो ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास टू आएगा ओके तब तक फिर से समझो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स का जो रेंज डोमेन होता है वो माइनस वन से वन होता है बी भी माइनस वन से वन होगा बी इसके लिए है इसे देखेंगे यहाँ पे इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है माइनस नॉट डिफाइंड से माइनस वन यूनियन वन से लेके नॉट डिफाइंड राइट मतलब दोनों के बीच में कॉमन क्या है कॉर्नर पॉइंट ही कॉमन है कॉर्नर पॉइंट कॉमन है माइनस वन इंक्लूडिंग है माइनस वन इंक्लूडिंग है ओके वन इंक्लूडिंग है वन इंक्लूडिंग है तो हमारे पास कॉमन पॉइंट ही मिलेंगे हमारे पास आंसर उसके अलावा कुछ मिलेगा ही तो अगर हम दोनों इक्वल है अगर आप माइनस वन लोगे तो बी भी माइनस वन देना पड़ेगा आपको तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया अगर दोनों की वैल्यू वन ले लोगे वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ओके नोट इट नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है वो भी टू टू थ्री टाइम्स आया हुआ है टैन इनवर्स एक्स परफेक्ट स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू फाइव पाई स्क्वायर बाई
8, 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ओके करिए। ट्राई कीजिए एक बार। क्या करेंगे आप? आपको पता है ना क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2। किसी एक को निकाल लेते हैं, क्या करेंगे अपन? cot इनवर्स x की वैल्यू क्या निकल रही? पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन में 8। ओके, थोड़ी देर के लिए टेन इनवर्स को कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो क्या किया हमने यहाँ पे? टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई टी इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन में 8। ओके, जहां पे हमारे पास वेयर टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टी मत मान लो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, जेड मान लो। अच्छा, मतलब यहाँ पे सेंसर लेगा टी और टेन वर्स, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया? 2 जेड स्क्वायर माइनस पाई जेड इक्वल टू, इसको इसको शिफ्ट किया यहाँ पर तो क्या आएगा? प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना है हमारे पास? 3 पाई स्क्वायर बाय 8, तो 2 जेड स्क्वायर माइनस पाई जेड प्लस, ये कहना है हमारे पास 2 से मल्टीपल, तो माइनस में 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या है हमारे पास? पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या है हमारे पास? एलसीएम लोगे 8, तो ये जाएगा 16 जेड स्क्वायर माइनस 8 पाई जेड, 8 पाई जेड माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 16 48, 48 को ऐसा अपने तो माइनस करने पे 8 आ गया, 12 4 जा 16 जेड स्क्वायर माइनस 12 पाई जेड प्लस 4 पाई जेड माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या क्या? 4z कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारे पास? 4z माइनस 3 पाई प्लस, यहां से पाई कॉमन आया तो क्या बचा? 4z प्लस माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। 4z माइनस 3 पाई कॉमन, क्या बचा? 4z प्लस पाई इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ गई, एक बार जेड की वैल्यू क्या आ गई? 3 पाई बाय 4 आ गई, और एक बार जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस पाई बाय 4 आ गई। ओके, तो दोनों से आपके यहां सेम आंसर आएंगे क्या? अब जेड की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई बाय 4, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1 होता है, सॉरी -π/2 से
पाई बाई टू होता है, ये थ्री पाई बाई फोर है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो लेंगे नहीं, ये ले लेंगे, क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, एक्स इक्वल टू टैन माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन। ओके ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा ये बोर्ड में 2-3 टाइम्स क्वेश्चन आया होगा। ओके अच्छे से समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस 3 टाइम्स cot इनवर्स x इक्वल टू 7π/4 इसे कहेंगे। ऐसे करेंगे यहां से आप क्या करोगे 3 tan निकालोगे, तो 3 का tan निकालोगे क्या जाएगा 2 times tan inverse x plus 3 times tan inverse x plus cot inverse x equal to 7π/4 ये होगा। अच्छा ये क्या है हमारे पास pi by 2 है, तो क्या आएगा 3π/2 equal to 7π/4, ये हो गया 2 टाइम्स tan inverse x, शिफ्ट कर दो इसको 2 टाइम्स tan inverse x इक्वल टू 7π/4 माइनस 3π/2, दैट इज क्या बना हमारे पास 5/4 2 टाइम्स tan inverse x। ओके तो tan inverse x क्या आ गया हमारे पास 5/8 आ गया, 5/8 का मतलब क्या हो गया 22.5 और tan 22.5 की वैल्यू पता है देखो क्या x इक्वल टू क्या हो गया tan pi by 8 ये हो गया, और tan 22.5 की वैल्यू क्या होती है √2 - 1। ओके नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता हो x इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस cos pi by 4 अपॉन में 1 प्लस cos pi by 4 ओके और इसका स्क्वायर रूट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जिसको नहीं पता है इसको पता है वो अच्छी बात है। 1/√2 एलसीएम ले लोगे सॉल्व करोगे। ओके नोट कर लो इस सेम क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन का कर रहा हूं क्वेश्चन है 4 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3π/4 इसे करो।
इससे कैसे छोड़ोगे, ये लिखोगे 3 टाइम्स sin इनवर्स x plus sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x equal to 3 pi by 4, ये लिखोगे और ये वैल्यू क्या होती है pi by 2। ओके शिफ्ट कर लो, इक्वल क्या देगा 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ओके ये क्या देगा आपके पास पाई बाय 4 3 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x क्या देगा हमारे पास पाई बाय 12, ओके x क्या आएगा हमारे पास साइन पाई बाय 12, और sin pi by 12 की वैल्यू क्या होती है x equal to जैसे लिखोगे sin pi by 3 minus pi by 4, sin a minus d लगा दोगे तो क्या आएगा root 3 minus 1 upon में 2 root 2, ये आंसर देगा। ओके नोट कर लीजिए, then find the value of, find the maximum value of n, then find the maximum value of n, वो जो n है वो n जो है वो क्या है natural number है, ओके करिए। कॉर्ड पहले पहले बताओ, कॉर्ड जो होता है वो कैसा लगा होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है ऊपर डिचेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी एन अपॉन पाई इज लेस देन कॉस कॉट पाई बाई सिक्स, और कॉट पाई बाई सिक्स क्या होता है हमारे पास cot by 6 का होता है root 3 n upon pi, तो n क्या है हमारे पास less than root 3 pi हो गया, root 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 into में 3.14 ये होगा, और approximately क्या है हमारे पास n जो है वो less than 5.3 something कुछ है, ओके 5.3 समथिंग हो जाएगा, 5.7 7 7 3, ओके समथिंग कुछ ऐसा होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इससे लेस होगा और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा हमारे पास पहला, तो n की वैल्यू क्या होगी 5 करते हैं बिकॉज़ n इज अ नेचुरल नंबर, ओके इससे पहले नेचुरल नंबर क्या होगा 5, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है लेस हो सकता है, तो मैक्सिमम क्या हो गया 5 हो गया, ओके नेक्स्ट find maximum and minimum value, find maximum
एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। जो ये फंक्शन दिया है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो आपको बताया साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स दिख जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किसी एक फॉर्मूले में चेंज कर लो, किसी भी एक में क्या करें, इसको लिख दिया साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया हमने अल्फा, हो गया अल्फा क्यूब प्लस ये कुल हो गए पाई बाई टू माइनस अल्फा क्यूब। ओके तो ये जाएगा अल्फा क्यूब प्लस पाई स्क्वायर बाई फोर प्लस माइनस क्यूब है ना हमारे पास पाई क्यूब बाई एट माइनस अल्फा क्यूब माइनस थ्री पाई बाई टू अल्फा और यहाँ पे हो गया पाई बाई टू माइनस अल्फा। ओके अल्फा क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास पाई क्यूब बाई एट माइनस थ्री पाई बाई टू थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया थ्री पाई बाई टू अल्फा स्क्वायर। ओके थ्री पाई बाई टू क्या है कॉमन दिख रहा है, थ्री पाई बाई टू कॉमन कर लिया, क्या हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा बाई टू माइनस प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास थ्री क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर पाई ट्वेल्व ये होगा। परफेक्ट स्क्वायर बना लो इसको, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे क्या आएगा पाई स्क्वायर बाई फोर ऐड कर देंगे, क्या करेंगे पाई स्क्वायर बाई फोर तो थ्री पाई बाई टू अल्फा माइनस पाई बाई फोर का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन माइनस सॉरी माइनस है ये और प्लस पाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व हो जाएगा थ्री पाई बाई टू अल्फा माइनस पाई बाई फोर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सॉरी माइनस फोर पाई स्क्वायर और में 48। अब हमें क्या करना है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा है हमारे पास, ध्यान दो अल्फा क्या है हमारे पास साइन इनवर्स यहाँ से वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी इसी वैल्यू क्या निकल जाएगी माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू राइट, माइनस फाइव बाई टू पुट करोगे तो क्या जाएगा थ्री माइनस में थ्री फाइव बाई फोर हो गया, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे फाइव बाई फोर पुट करोगे अच्छा मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, ये क्या है क्वाड्रेटिक ग्राफ है हमारे पास पैराबोला है ना हमारे पास, ये पैराबोला की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी जब हमारे पास ये वैल्यू फाइव बाई फोर होगी। ओके और तो पाई बाई फोर कर दो अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर पुट करेंगे तो क्या मिलेगी, तो वैल्यू मिलेगी तो क्या होगी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, जब पाई बाई फोर पुट करेंगे तो क्या होगी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वो डिसाइड करते हैं। मिनिमम होगी क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे पाई बाई फोर खत्म हो गया तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास ये खत्म हो जाएगा थ्री पाई बाई से मल्टीपल कर दोगे थ्री सिक्सटीन हो जाएगा टोटल तो जाएगा हमारे पास मिनिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई थर्टी टू। ओके माइनस नहीं है हमारे पास ये सब प्लस है पाई स्क्वायर बाई थर्टी टू। ओके अगर हमारे पास तो ये वैल्यू क्या से आते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मिलती है। ओके अच्छा अगर हमने पाई बाई टू पुट किया तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई वन तो ये लेस हो जाएगा हमारे पास, और अगर हमने माइनस पाई बाई टू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा मिल जाएगा, क्यों क्योंकि वन थर्टी फाइव डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू करेंगे तो क्या मिलेगी
मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्या हो जाएगा मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू, ये मिलेगा 3π/2। तो इसको कैसे लिखोगे, 3π/2 इनटू में कितना होगा 3π/4 मतलब 9π² / 16 प्लस π² / 48। ओके अब जब इसको 48 करोगे तो 3 के मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 + 1 28/48। 28 को कैसे करो 14 यहां पे 16 तो कितना आएगा हमारे पास 14π² / 28 और यहां 16 और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 7π² / 8। ओके ये मिल जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लीजिए। पर क्यूब है ये, यहाँ पे पाई यहाँ पे क्यूब है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज fx = sin inverse x + cos inverse x + tan inverse x। ओके इसको करें, ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास पहले बात करते हैं साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होगा, डोमेन कॉमन क्या होगा -1 से 1। क्यों होगा वो बताता हूँ, इसका डोमेन है -1 से 1, इसका डोमेन है -1 से 1, इसका डोमेन क्या होता है आर, तो कॉमन क्या होगा -1 से 1। अच्छा अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा प्लस, अब इसका डोमेन निकाल लेंगे -1 से 1। माइनस वन का होता है हमारे पास जब -π/4 होता है, और 1 का होता है जब π/4 होता है, ऐड कर दोगे तो क्या देगा π/4 से 3π/4, ये हो गया हमारे पास रेंज। ओके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन के साथ ही आज का जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। ओके केवल आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, क्योंकि कल दो प्रॉपर्टीज का सम पढ़ाऊंगा, जैसे tan inverse + tan inverse, ओके tan inverse x + tan inverse y, tan sin inverse x + sin inverse y, cot inverse x = cot inverse y, इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आपको जितना ही आज पढ़ाया गया और जो कल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उनको आपको पढ़ना है अच्छे से, और जो भी डाउट्स हो वो कल डाउट सेशन में या आज डाउट सेशन में आप पूछ सकते हो। ओके okay?